बॉलीवुड किंग खान शाहरुख खान की मूवी रईस 25 जनवरी 2017 को रिलीज हो रही है। इसमें किंग खान शाहरुख खान गुजरात के माफिया डॉन के किरदार में नजर आएंगे। कहा जाता है कि शाहरुख का किरदार शराब माफिया डॉन अब्दुल लतीफ की जिंदगी पर आधारित है। अब सवाल ये उठता है कि ये अब्दुल लतीफ कौन था, तो हम आपको बता दें कि इस रईस इंसान की कहानी। अब्दुल लतीफ गुजरात के अहमदाबाद के दरियापुर इलाके में रहा करते थे। उनका जन्म वहीं पे हुआ था। परिवार की हालत ठीक ना होने की वजह से उन्हें कच्ची उम्र से ही काम करना पड़ा था। मुश्किल हालात और आर्थिक कमजोरी ने अब्दुल लतीफ को ज्यादा पढ़ने का मौका नहीं दिया। उन्हें जल्दी समझ आ गया था कि बिना पैसे और पावर से अच्छी जिंदगी नहीं जी सकती, जिसकी वजह से वो एक ऐसे रास्ते पर चल पड़े जो मौत के पास जाकर खत्म होता था। 80 और 90 के दशक में गुजरात में अवैध शराब का धंधा करने वाले गैंगस्टर अब्दुल का गुजरात में बड़ा साम्राज्य था। अब्दुल लतीफ अपराध जगत से पहली बार उस वक्त रूबरू हुए जब उनकी मुलाकात मंजूर अली से हुई। मंजूर अली एक जुआ घर चलाते थे। मंजूर ने जब लतीफ को एक अवैध शराब के धंधे वाली जगह काम करते हुए देखा तो उन्होंने उसे अपने बिजनेस की बागडोर संभालने दी। लतीफ जल्द ही अवैध शराब के धंधे के नियम सीख गए और उन्होंने बड़े शातिर तरीके से कई छोटे मोटे गैंग में फूट डलवा कर उन्हें अपने गैंग में शामिल करवा दिया। जुए के फोड़ों में शराब की सप्लाई करते करते उनकी मुलाकात प्रदेश के राजनीतिक लोगों से हुई और फिर उसके बाद लतीफ, जिन्हें एक बार अहमदाबाद के नगर निगम चुनाव में भाग लिया तो 5 सीटों से वो जीत गए। इस तरह अहमदाबाद के बाद उनका दबदबा पूरे गुजरात में फैल गया। उन्होंने अवैध शराब बेचने का नेटवर्क इतना मजबूत कर डाला था कि वहाँ कोई भी बुलेटगार्ड यानी अवैध शराब बेचने वाला उनकी मर्जी से शराब नहीं बेच सकता था। उन्होंने सुपारी लेकर लोगों को गोली मारने, हवाला कारोबार, जमीन की व्यापार और हथियारों की तस्करी तक की। अब्दुल लतीफ धंधे में रोड़ा बनने वाले लोगों का अपहरण और हत्या तक कर देते थे। धीरे धीरे लतीफ के खिलाफ हत्या और अपहरण के मामले इतने ज्यादा हो गए कि पुलिस ने उनको 40 से ज्यादा हत्या और अपहरण के मामले में वांटेड अपराधी बना दिया। बताया जाता है कि उस वक्त अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम भी वडोदरा में ड्रग्स का नेटवर्क खड़ा कर चुके थे। एक बार दाऊद और लतीफ के बीच गैंग वॉर भी छिड़ गई। लतीफ के गुर्गों ने दाऊद को घेर लिया और दाऊद को वडोदरा से भागना पड़ा था। लेकिन बाद में इस तरह की खबरें भी आई थी कि दाऊद और लतीफ के बीच दोस्ती हो गई थी। इसी वजह से मुंबई के सीरियल ब्लास्ट मामले में अब्दुल लतीफ का नाम भी आया था। वैसे तो शहर के मुस्लिम इलाकों में लतीफ गरीबों के लिए मसीहा माना जाने लगा था, क्योंकि वो बेरोजगार युवकों को अपनी गैंग में शामिल करवाते थे और गरीबों को आर्थिक मदद भी करते थे, जिसकी वजह से उन्हें पॉलिटिकल सपोर्ट भी मिलने लगा था। लतीफ को 1995 में दिल्ली से गिरफ्तार किया गया। इसके बाद उन्हें साबरमती जेल अहमदाबाद में भी रखा गया। नवंबर 1997 में अब्दुल लतीफ ने एक बार फिर भागने की कोशिश की, जिस दौरान गुजरात पुलिस की इनकाउंटर में वो मारे गए। लतीफ का इनकाउंटर करने वाली टीम का नेतृत्व उस समय सुरोलिया कर रहे थे। चर्चा ये है कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी मूवी में सुरोलिया का रोल कर रहे हैं। लतीफ के धंधों की बात करें तो आने वाली फिल्म रईस में दिखाया गया है कि वो बार भी चलाते थे। इतना ही नहीं, शराब परोसने के लिए वो महिलाओं का इस्तेमाल करते थे। यहाँ तक देह व्यापार का धंधा भी चलाते थे। लेकिन लतीफ के बेटे ने अदालत में अपने वकील के जरिए जानकारी दी कि लतीफ के खिलाफ पुलिस में कुल 90 से ज्यादा मामले दर्ज हुए थे, लेकिन इनमें एक भी मामला देह व्यापार का नहीं था। अब्दुल लतीफ के बेटे की याचिका पर अहमदाबाद कोर्ट ने शाहरुख के प्रोडक्शन हाउस को नोटिस भेजा है। लतीफ के बेटे मुश्ताक ने अपनी याचिका में कहा कि शाहरुख खान की फिल्म उनके पिता का नाम खराब कर रही है। यही नहीं, उन्होंने इस बाबत हर्जाने की मांग करते हुए 101 करोड़ रुपए की मानहानि का दावा भी किया है। रेड चिलीज एंटरटेनमेंट और एक्सेल एंटरटेनमेंट के बैनर तले रईस बॉलीवुड की आने वाली फिल्म है। इस फिल्म का निर्देशन राहुल ढोलकिया कर रहे हैं, जबकि फिल्म को गौरी खान, रितेश सिद्धवानी और फरहान अख्तर प्रोड्यूस कर रहे हैं। फिल्म के मुख्य किरदारों में शाहरुख खान, माहिरा खान और नवाजुद्दीन सिद्दीकी नजर आएंगे। शाहरुख की मूवी रईस के निर्माताओं का कहना है कि अब्दुल लतीफ की कहानी से कुछ पहलू जरूर लिए गए हैं, लेकिन मूवी की कहानी का उनसे कोई लेना देना नहीं है। मूवी 25 जनवरी को रिलीज होगी। अब देखते हैं कि रईस को बॉक्स ऑफिस पर कैसा रिस्पांस मिलता है। बॉलीवुड की कुछ ऐसी ही ताज़ा अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।